नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वाराणसी से बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर के एसटी इंटर कॉलेज आए एक शिक्षक की पुलिस के मुख्य आरक्षी ने आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल अध्यापक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक अध्यापक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के शिक्षा विभाग की एक टीम पुलिस की सुरक्षा में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र में एसटी इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर आई थी। शिक्षा विभाग की टीम में शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार और दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। कॉलेज का द्वार बंद होने के कारण टीम के सदस्य वाहन में ही बैठे हुए थे। रविवार की रात को कॉलेज के बाहर वाहन में सोते वक्त शिक्षक धर्मेंद्र और मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान चंद्र प्रकाश ने अपनी सरकारी बंदूक से धर्मेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए एसपीसीडी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि गंभीर रूप से घायल शिक्षक धर्मेंद्र कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में था और वह रात के समय मृतक अध्यापक से तंबाकू की मांग कर रहा था, जिस पर तंबाकू न देने पर आरोपी पुलिसकर्मी ने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने आरोपी मुख्य आरक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 17/18/2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें दो अध्यापक, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुँचे थे और यहाँ पर एसटी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पर एसटी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस मृत जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर ये ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।